कृष्णा ज्वाला, खामोश। कृष्णा का मतलब कृष्णा से का ही एक अलग रूप है कृष्णा। और इस फिल्म के जो हमारे हीरो हैं वो एक यंग वॉरियर है। इसमें बहुत सारे पैगाम हैं इस फिल्म में। सबसे बड़ा तो इंसानियत का पैगाम है कि हमेशा अच्छाई बुराई से जीतती है। ये हमेशा देखा गया है दुनिया में। और जहाँ बुराई की बात हो रही है, मैं यहाँ इसमें एक बुरे क्या कहते हैं कबीले का एक सरदार है। कहानी जंगल की है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है। और ये कबीले का सरदार है जो कि बहुत क्रूर है। जो मेरा किरदार है इसका नाम है चित्रा। और इसकी और कृष्णा जो बच्चा है वो हमेशा कृष्णा को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है सरदार के इसका अंत जो है वो बच्चा ही करेगा। तो ये इस तरह की फिल्म है। स्पेशल इफेक्ट्स भी हमारे नए प्रोड्यूसर हैं चौहान साहब, और डायरेक्टर नया है, यंग है, मुकेश कुमार। टीम बहुत ही टेक्नीशियंस जो हैं सारे नए हैं। दिलीप सेन जी का म्यूज़िक है जो कि अपने आप में एक लेजेंड है। और इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म एक नई किस्म की फिल्म है, एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर की फिल्म। मेरा एक सवाल है कैमरा लोग रखना कि आपने ये फिल्म क्या सोच के साइन, गुड कैरेक्टर, गुड सब्जेक्ट, गुड डायरेक्टर, व्हाट इज द प्लस पॉइंट फॉर योर साइड? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं जब फिल्म साइन करता हूँ तो करता हूँ जब कोई फिल्म, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि अपना किरदार क्या है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने पूरी फिल्म को देखा। ये फिल्म जो है पूरे तौर से एक बहुत ही सक्षम फिल्म है, बहुत ही मैसेज वाली फिल्म है। और इस तरह की कॉस्ट्यूम ड्रामास करना मुझे बेहद शौक है। जैसे अभी मैं एक नए स्टार प्लस के शो में मल्लारा होलकर बन गया आ रहा हूँ। तो इस फिल्म में जो है मल्लारा और होलकर बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, हिस्टोरिक सब जानते हैं। इस फिल्म में जो है ये नेगेटिव कैरेक्टर है, इसलिए किया मैंने क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है। और वो बच्चे के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंस मामा और कृष्ण जी का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर लूजली बेस्ड है। उस बिल्कुल ये इस उसमें मत रहिएगा कि वही कहानी है, बिल्कुल नहीं है। इसमें सारे दांव पेच अलग हैं, एक अलग पहलावों के साथ ये कहानी पेश की जाएगी। इस कहानी पर बहुत काम किया गया है, 4-5 साल से ये कहानी लिखी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाहुबली जितना बड़ा हमारा बजट तो नहीं है, और लेकिन कोशिश करेंगे कि टेक्निकली उससे 19 ना हो पिक्चर। शाबाश भाई, आप दोनों तरफ इस टाइप बिजी हो, स्मॉल स्क्रीन पे और बिग, आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कहाँ पैसा मिल रहा है? देखिए सेटिस्फेक्शन तो मुझे जब सेट पे मैं जाता हूँ, चाहे वो सीरियल हो चाहे फिल्म हो, दोनों तरफ मुझे बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा जो है, देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं आया राम गया राम। तो पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा काम करता आया हूँ, करता रहूँगा हमेशा। और हर कलाकार यही है। और पैसा तो ये यहाँ पे लिखा होता है नसीब, इसके नसीब में जितना पैसा लिखा है उतना ही आता है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है एक अदाकार, एक कलाकार के लिए, चाहे किसी भी तरह का एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जो भी, कि उसको एक अच्छा रिजल्ट नज़र आए सिनेमा में या टेलीविजन, जो ऑडियंस उसको सराहे। सराहना से बड़ी दौलत एक कलाकार के लिए कोई नहीं होती। और मैं सराहना के लिए काम करता हूँ। मुझे खुदा का बहुत शुक्र है कि मुझे हमेशा अपने काम के लिए सराहा गया। 25 साल मुझे इंडस्ट्री में काम होते हो गए ऑलमोस्ट। और मुझे अपनी ऑडियंस से इतनी मोहब्बत मिली और इतनी सराहना मिली, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात। शाबाश भाई, 25 साल का जो करियर आपने जो पार किया है उसको पलट के अगर देखते हो तो आज अपने आपको किस मकाम पे पाते हो? देखिए ये एक आता समंदर की तरह है, ये समंदर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे हम हो, चाहे शाबाश खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सब उस समंदर में अब तक
कुछ ना कुछ तलाश करते रहे और वो समंदर हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो ये कहना कि हम आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये सवाल, इस सवाल का जवाब खुद यही है कि कोशिश चल रही है। एक कलाकार की जो प्यास है वो कभी बुझती नहीं, तो किसी ना किसी तरह कोशिश की जा रही है कि उस समंदर में से कुछ और निकाला जाए, उस समंदर का कुछ और हिस्सा बन के सामने आया जाए। तो हम सब कलाकार अदाकार, चाहे बड़े हों छोटे हों, हमसे नए हों पुराने हों, सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा काम और हम जो कहना चाहते हैं समाज को वो किसी तरह लोग एक्सेप्ट कर लें और हमारे काम को दाद दें।